फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आप अभी जो जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मतलब अभी लॉकडाउन है हर जगह, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम। और चलिए उसके साथ साथ एक छोटा सा अपडेट और, कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो वैसे ही मैं आज एक वीडियो और लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैं बताना चाहूँगा कि एक जैसे कि आप देखते हैं कि काफ़ी सारे जो सैमसंग के कीपैड फ़ोन होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, थोड़ा सा मैं डिटेल दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट आपको अगर पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप इस क्या बोलते हैं कि कीपैड वाले फ़ोन को, जैसे सैमसंग गुरु हो गया, तो ये सारा चीज़ आप किसी भी डोंगल से अनलॉक नहीं कर पाते हैं। तो उसका मैं रीज़न आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे करना है क्या होता है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे मस्ट होता है इसका डाटा केबल, क्योंकि इसका डाटा केबल जल्दी मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए हम इसकी अनलॉकिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम फिर यूट्यूब में जाते हैं और इसका काफ़ी सारा कोडिंग डालते हैं, कोड डालते हैं, फिर कुछ सक्सेस भी हो जाता है और फिर सक्सेस नहीं भी होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये GT 1200 E 1200 Y, तो इसमें एक फ़ोन लॉक लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा और पास में आकर के दिखाना चाहूँ तो इसमें जो ये लगा हुआ है, हमारा जो फ़ोन लॉक यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। फिर आप क्या करते हो, इसमें जाते हो, इमरजेंसी में जाते हो, फिर यहाँ पे कोड टाइप करते हो। कोड टाइप करने के बाद किसी का अनलॉक हो जाता है, रिसेट हो जाता है, पर किसी किसी का अनलॉक नहीं होता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो मस्ट आपको क्या करना है फ्रेंड्स, हमेशा आपको मस्ट यहाँ पे ये रखना है कि इसका एक डाटा केबल आपको परचेस कर लेना है, जहाँ से आप बॉक्स वगैरह परचेस करते हैं वहाँ पे। क्योंकि देखिए, मैं एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप अगर काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको टूल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका टूल नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मेरा एक अपडेट था, क्योंकि ये बहुत ही 1 सेकेंड के अंदर ही अनलॉक हो जाएगा, और बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है ये। तो मैं इसको मिरकल से करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये मिरकल डोंगल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और मिरकल डोंगल को मैं यहाँ पे इन कर देता हूँ। मिरकल डोंगल इन करने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, मैंने वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैं इस टूल को ओपन कर ले रहा हूँ। इस टूल को ओपन करने के बाद बहुत ही कम सेकंड में हो जाएगा। बट मेन जो कमाल है फ्रेंड्स, किसी ट्रिक, ये तो ट्रिक पे तो आधारित है ही हमारा सॉफ्टवेयर, पर फिर भी फ्रेंड्स, आपके पास डाटा केबल और डोंगल होने चाहिए, तभी जाके आप ना आपको भटकना पड़ेगा, ना बार बार आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि मैं इस फ़ोन के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी भी कीपैड, सैमसंग कीपैड फ़ोन का आप ये प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं वन क्लिक में हम इसका पासवर्ड जो है इसका रीड करेंगे आपके सामने। मैं सारा प्रोसेस यहाँ पे करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। स्मार्ट टेलीकॉम को, हमारे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें फ्रेंड। तो बस जस्ट अ सेकेंड, तो मैं फ़ोन की बैटरी निकाल देता हूँ। और फ़ोन की बैटरी निकालने के बाद आप चाहें तो विद बैटरी भी कर सकते हैं, विदाउट बैटरी भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विदाउट बैटरी कर रहा हूँ, जिससे कोई एरर ना आए फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पे अपना मिरेकल थंडर यहाँ पे खोल लिया है, और मिरेकल थंडर खोल लिया है फ्रेंड। उसके बाद हमें सिंपल आपको डिवाइस मैनेजर भी खोल के रख लेना है कि आपका ड्राइवर स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे डिवाइस मैनेजर भी खोल लेता हूँ, आप खोल लीजिएगा। चलिए, अब हमें सीधा सीधा कुछ नहीं जाना है, SPD में जाना है, क्योंकि इसकी जो CPU होता है उसमें स्पेक्ट्रम का CPU लगा होता है, आपको पता ही है। उसके बाद हमें, आप चाहें तो इसका रीड इन्फो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसका अनलॉक करना है, तो अनलॉक करने के लिए सीधा आप रीड अनलॉक पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो बूट है वो 6C0 अपना सेलेक्ट रहने देना है, और ब्रांड अपना यूनिवर्सल रहने देना है, और सिंपल आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं ये डाटा केबल को भी लगा देता हूँ फ्रेंड्स, डाटा केबल को मैं इन कर देता हूँ। डाटा केबल इन करने के बाद, क्योंकि देखिए वीडियो अगर आपको बड़ी है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जो लर्निंग है, जो सीख रहे हैं, जो यूट्यूब से देख करके इसको फॉर्मेटिंग में दिक्कतें आ रही है, उनके लिए है। बाकी अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया है। अब इसकी जो होम, इसकी जो बूटिंग है, होम बटन है, आपको होम बटन को प्रेस करना है और USB केबल को इन करना है। तो मैंने होम बटन को प्रेस किया हुआ है और USB केबल हमने इन कर दिया। तो एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने देरी कर दी थी स्टार्ट बटन पे। तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, और फिर से हम होम बटन को प्रेस किए हैं और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है फ़ोन को। तो देख सकते हैं बूटिंग हमारी ले चुका है, यहाँ पे डन हो चुका है।
इंस्टॉलिंग ड्राइवर फिर से करेंगे वन टाइम, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, इस बार मैं भी बैटरी से कर लेता हूँ। हमने बैटरी लगा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट बटन हमने प्रेस कर दिया है, हमने होम बटन फिर से दबाया अगेन, और यहाँ पे यूएसबी केबल इन करेंगे। यूएसबी केबल हमने इन किया, यहाँ पे हमारा बूटिंग लिया, और ये देखिए। तो आप विद बैटरी भी कर सकते हैं और विदाउट बैटरी भी कर सकते हैं। तो हमने देखा विद बैटरी भी किया और यहाँ पे विदाउट बैटरी भी किया फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कर देना है डाटा केबल निकाल देना है फ्रेंड। आप देख सकते हैं सिंपल और सिंपल वन क्लिक में ये देखिए इसका कोड आपके सामने आ गया है 2223222019। ये इसका कोड आ चुका है, ये तो जनरल कोड होता है फ्रेंड, स्क्रीन कोड। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका कोड है अनलॉक कोड, ये यहाँ पे मैं आपके सामने यहीं पे डालने वाला हूँ। तो चलिए जो यहाँ पे कोड है मैं कोड को आपके सामने ही प्रेस करूंगा और देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता है फ्रेंड। तो ये देखिए कोड पे है, तो मैं वही कोड प्रेस करूंगा फ्रेंड्स 2 3 और फिर 3 टाइम 2, फिर उसके बाद 0 1 9। हमने ये आपको शायद कोड ना दिखा हो पर मैंने इतने डिजिट का कोड डाल दिया है, और सीधा सीधा करेंगे ओके, और ये हमारा फोन देख सकते हैं अनलॉक हो गया है फ्रेंड, जॉब डन हो चुका है। तो अब अगर ये वीडियो आपको प्लीज अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग सेफ हो गया, क्योंकि आप अगर यूज करते हैं कभी कभी फ्लैश कर देते हैं तो उसमें काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं कि इसमें इसका नेटवर्क चला जाता है या फिर इसकी IMEI चली जाती है। तो ये देखिए फोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है फ्रेंड, अनलॉक हो चुका है, बिल्कुल सेफ तरीका, बिल्कुल सेफ मेथड। तो छोटी सी एक वीडियो थी जो कि मैंने आपको एक अपडेट करा दिया है, जिससे मैं आपने देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से हमारा यहाँ पर रीड हो चुका है। तो इसके लिए हमारा मेन डाटा केबल और मिरेकल की सहयोग से हमने यहाँ पे इसको बहुत ही इजीली तरीके से अनलॉक कर दिया है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप किसी भी एनी एसपीडी कीपैड फोन में आप ट्राई कर सकते हो, और आपके सामने मैंने बेसिकली यहाँ पे कीपैड फोन का लाइव डेमो करके दिखाया बिना कोई पासवर्ड के। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।